हे गाइस, वेलकम बैक टू एंशियंट हिस्ट्री। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 एज ऑफ मौर्या के बारे में। 12 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके, एक में उसमें लेटर वैदिक एज वाला रह गया है क्योंकि वो रिकॉर्ड हुआ था लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगा, उसको बाद में कर लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एज में क्या क्या था। देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी में बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्यन डायनेस्टी की जो है एक तरह से नींव रखी थी इंडिया के अंदर, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं ऑर्डनरी फैमिली से बिलोंग करते थे, कुछ लोग कहते हैं क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, तो वो एक डिबेटेबल इशू है, उसको हम ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो नंदा रूलर थे, ठीक है, मगध एम्पायर के अंदर नंदा रूलर थे, आखिरी में उनके जो है वो काफ़ी वीक हो गए थे और अनपॉपुलर भी हो गए थे। तो अनपॉपुलर और वीक होने के कारण ही जो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एस्टेब्लिश अपना जो है पूरा मौर्यन डायनेस्टी को जो है एक तरह से इंडिया में उसका जो है स्टार्ट हो गया था, मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी और नंदा रूलर जो है उसका रूल खत्म हो गया था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, उन्होंने इवन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ठीक है, जो अफगानिस्तान और ये वाला एरिया इंडस के वेस्ट वाला एरिया, वहां पे जो ग्रीक एक रूलर थे, ठीक है, सेलुसस, उनका राज चलता था, उनसे भी जो है पूरा इसको आजाद करा लिया। इसके बीच में लड़ाई हुई, देखिए ऐसा माना जाता है ग्रीक जो वायसरॉय है और चंद्रगुप्त के बीच में जो है वॉर हुआ और चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य उसमें जीत गए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि देखिए कुछ पीस एस्टेब्लिश हुई थी और रिटर्न में जो है सेलुसस को जो है 500 एलिफेंट दिए थे और उसके बाद वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ये जो वेस्ट के इंडस वाला एरिया है ये पूरा छोड़ के चले गए थे, एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के ही अंडर आ गए थे। तो हम ये कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा हो गया था, सिर्फ बिहार नहीं, उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, वेस्टर्न एरिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, और डेक्कन तक भी इसका एरिया था। लीविंग अगर केरला और तमिलनाडु और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को बात छोड़ दें तो पूरे ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर ही जो है पूरा राज किया था। काफी बड़ा एम्पायर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का था। अब देखिए इसका इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी। ये बताते हैं जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही ऑर्गेनाइज था। ऐसा देखिए कहां से पता चलता है, एक तो मगस्थनी आए थे यहां पे, ठीक है, मगस्थनी आए थे और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, याद रखिए कौटिल्य किस अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मगस्थनी जो ग्रीक एम्बेसडर थे सेलुसस ने भेजा था उनको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, उन्होंने भी रेफरेंस दिया है कि किस तरह एक ऑर्गेनाइज्ड पूरा जो है सिस्टम था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। ये कहते हैं इनकी कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र कैपिटल थी, और ये बोलते हैं कि इन्हीं दोनों चीजों से, ठीक है, पूरा पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किससे, जो मगस्थनी ने जो अपना लिखा है और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, मेजर इनसे ही पता चलता है। ये कह रहे हैं अगर चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त ऐसा माना जाता है कि पूरा ऑटोक्रेट की तरह ही काम करते थे, यानी कि पूरी पावर उन्हीं के हाथ में थी। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि पूरा जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट का यानी कि जो भी उनका काम काज था उसमें कोशिश करते थे लोगों की खुशी रहे। लेकिन ये कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हम सच नहीं मान सकते, हो भी सकता है नहीं भी ऐसा चीज़ करते हो, लेकिन कुछ जगह ये चीज़ लिखी हुई है अर्थशास्त्र वगैरह में। ये बताते हैं कि राजा को जो है कौंसिल जो है असिस्ट करती थी, यानी कि कुछ जो है ऐसे लोग सेलेक्ट किए जाते थे उनकी विजडम के अकॉर्डिंग जो असिस्ट करते थे, यानी कि कोई भी इशू आता था तो चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन ये कहते हैं ये एड और जो एडवाइस होती थी जो भी बाइंडिंग नहीं होती थी, ठीक है, कुछ लोग लिखते हैं बाइंडिंग लेकिन ऐसा नहीं कि बाइंडिंग होती ही होती थी, हाँ, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान दे जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस पर काफ़ी ध्यान भी देते थे, ये बात सच थी। अब पूरा जो एम्पायर था उसको काफ़ी जो है प्रोवेंसीज में डिवाइड किया हुआ था, जैसे आज हमारा इंडिया है, काफ़ी स्टेट्स हैं, तो ऐसे प्रोवेंसीज में पूरा डिवाइड किया हुआ था और हर प्रोवेंस में एक जैसे प्रिंस भी होता था जो कि पूरा चीज़ें देखता था, जो रॉयल डायनेस्टी है यानी चंद्रगुप्त मौर्य है उनके अंडर ही जो है उनके अंडर ही उनको काम करना पड़ता था प्रिंस को, लेकिन वो प्रोवेंस के एक तरह से प्रिंस होते थे। इस तरह प्रोवेंस भी जो है छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड था, जैसे हमारा एक तरह से पूरा इंडिया हो गया, फिर स्टेट्स हो गया, स्टेट्स में जो है छोटे छोटे टाउन्स हो गए, गांव हो गए, तो इस तरह ही सिचुएशन उस समय थी, यानी कि काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से जो है डिफाइन किया हुआ था। मैंने बताया कैपिटल क्या थी मौर्यन एम्पायर की, मोस्टली जो है पाटलिपुत्र के अंदर इन कैपिटल थी। छः कमेटी, मेजर छः कमेटीज़ भी थी जिसमें सैनिटेशन,
फॉरनर्स की केयर करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, रेगुलेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स और सिमिलर अदर फंक्शन। तो इस तरह की चीज़ें भी देखिए उस समय इस तरह की भी कमेटी बनाई गई थी। जैसे आज क्या है, आज आपके कैबिनेट के अंदर जो भी मिनिस्ट्रीज होती है डिफरेंट डिफरेंट, या सरकार के अंदर जो मिनिस्ट्रीज होती है, ठीक है, उस तरह की उस समय भी कमेटीज़ बनाई जाती जो पूरा ध्यान रखती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो कह रहे हैं कि और भी 2 डजन से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी थे स्टेट के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करते थे कैपिटल और उसके आसपास के एरिया में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा देखिए 6 विंग्स थी आर्मी की भी, 6 विंग थी, आर्मी हो गया, कैवलरी हो गया, एलिफेंट चालक अलग थे, चैरियट्स अलग थे, नेवी वाले अलग थे, ट्रांसपोर्ट वाले अलग। तो इस तरह 6 विंग में आर्मी को भी डिवाइड किया हुआ था। ये कहते हैं कि देखिए नंदा की जो नंदा थे उनकी जो रूलर रूल की बात करें तो मौर्यन एम्पायर के पास करीबन मिलिट्री जो थी 3 गुना ज़्यादा थी। ठीक है, तो यानी कि काफ़ी ह्यूज आर्मी थी। ये बात बहुत जगह मिलती है, बहुत जगह अर्थशास्त्र में भी ये चीज़ है और भी जगह बहुत पढ़ने को मिलती है। ये कह रहे कि पूरे स्टेट पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर बहुत अच्छे से कंट्रोल था। देखिए इतनी बड़ी आर्मी को कैसे संभाला जाएगा, जब उनके पास खाने के लिए होगा, उनको पूरी सैलरी दी जाएगी। तो ये बताते हैं कि इस तरह की चीज़ के लिए कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता था और कल्टीवेशन जो है शूद्र की मदद से भी किया जाता था, और जो जमीन खाली है जिसपे कुछ नहीं होता उस जमीन को भी उपजाऊ बनाया जाता था शूद्र लेबर या कल्टीवेटर से उनकी मदद से। तो इससे हमें पता चलता है जो टैक्स कलेक्शन है वो प्रॉपर होती थी और ऐसा माना जाता है कि 1/4 से 1/6% जो है टोटल प्रोड्यूस का इतना टैक्स कलेक्ट होता था। ठीक है, इसके बाद टोल टैक्स भी एक तरह से लगाया जाता था। जब भी सेल होता था कोई भी एक जगह से दूसरी जगह, गेट्स वगैरह लगाए जाते थे, किसी को बेचना है तो उस एरिया में जाके जो है उसको पहले टोल देना पड़े, तो इस तरह की चीजें होती थी। इसके अलावा देखिए स्टेट जो था, स्टेट पूरी मोनोपोली थी स्टेट की, माइनिंग हो, सेल ऑफ लीकर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स, इन सब का जो है मोनोपोली थी, इसमें किसी को अलाउड नहीं था। तो इससे पता चलता है कि पूरा रॉयल एक्सचेकर जो है यानी कि जितना पैसा आता था वो सारा कैसे पैसा आता था, कैसे इतना ऑर्गेनाइज्ड होती थी चीजें। उसके बाद आए देखिए अशोका, अशोका जो है उनका जो है 273 से 232, ठीक है, तो करीबन 40-41 साल का जो है इनका राज रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार आए, ठीक है, और उसके बाद जो है ये बताते हैं कि इनके काफ़ी अच्छे लिंक थे, ग्रीक के जो प्रिंसेस थे उनके साथ लिंक थे, और उसके बाद इनके बेटे आए अशोक। ठीक है, तो अशोक को माना जा सकता है मौर्यन एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट एक तरह से रूलर थे। अशोका ने देखिए अपनी एडिक्ट्स यानी कि अपने जो ये देखिए इंस्क्रिप्शंस होती थी, तो अलग अलग जगह इंस्क्रिप्शन ये लिखवाते थे अपनी, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में, कहाँ कहाँ पे, जैसे स्टोन पिलर हो गया उस पर इंस्क्रिप्शन होती थी, जैसे हमारा जो अभी आपको पता है एम्बलम है तो वहाँ पे अशोका एडिक्ट से कुछ चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद पिलर्स पे हो गया, केव्स पे हो गया, मंदिरों पे हो गया, बहुत जगह जो है रॉक्स पे ये चीज़ अपनी एक तरह से एडिक्ट पे या फिर अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखवाते थे कि ऐसा चलना चाहिए, ऐसे धर्म को जो है ये सब, मतलब जो भी इनके इंस्ट्रक्शन, जैसे आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, धर्म जो धर्म के बारे में जो बोलते थे, लिखते थे, या कोई वॉर जीते हैं तो ऐसी चीज़ों पर लिखवाया जाता था। और ये कह रहे हैं कि ये पूरे इंडिया में पाया गया है, और इंडिया में नहीं, कांधार में भी, अफगानिस्तान तक भी इनके रोग रेडिक्ट जो है पाए गए हैं। ये कौन कौन सी लैंग्वेज में थे, देखिए प्रकृत लैंग्वेज होगी, ब्रह्मी लैंग्वेज होगी, खरोस्ती और अरेमिक, तो सारी स्क्रिप्ट्स में, ग्रीक में भी कुछ जगह, और ग्रीक स्क्रिप्ट और ग्रीक लैंग्वेज में भी कुछ जगह पे इनके एडिक्ट्स मिले हैं, यानी कि ये जो इनके बारे में जब लिखा गया था। ठीक है, ये कहते हैं इनके करियर के बारे में बताते हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी कैसी थी, पूरा एम्पायर क्या था, वो सब इस पे जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। लेकिन ये कहते हैं देखिए अशोका के राज में जो है कलिंग वार हुआ, ठीक है, कलिंगा का वार हुआ, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, ठीक है, शाहरुख खान की, आप देख लीजिए, करीना कपूर की अशोका मूवी करके ही मूवी भी बनी है। तो ऐसा माना जाता है कि कलिंग वॉर के बाद जो है इससे काफ़ी ब्राह्मण थे, बुद्धिस्ट थे, मोंक थे, उनको काफ़ी सफ़र होना पड़ा था इस वॉर के बाद, और ये एक तरह से माना जाता है आखिरी वॉर था अशोका का, उसके बाद कोई भी वॉर अशोका ने नहीं लड़ा। देखिए कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि जो है इसके बाद पूरा, देखिए हुआ क्या था, काफ़ी लोग मारे गए, तो उसमें ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मोंक काफ़ी सफ़र हुए, तो ऐसा माना जाता है कि अशोका को लगा कि देखिए अब जो है ठीक नहीं है, इस तरह बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ता है वॉर से, तो उन्होंने नई ट्रिक अपनाई। देखिए पहले उनका क्या था, फिजिकल ऑक्यूपेशन करते थे, एक जगह पे जाके उसको ऑक्यूपेशन करना, लड़ाई करना, उस राजा को हराना, लेकिन बाद में उसको चेंज करके कल्चरल
कॉन्क्वेस्ट होने लगा, यानी कि कल्चरली उसको ऐसा जो है दबा लिया जाता था दूसरे रूलर को, लड़ाई करे बगैर ही वो उसके अशोका के अंडर आ जाता था। तो इसलिए मानते हैं कि देखिए एक नया जो इन्होंने सिस्टम किया, बैरी घोषा वॉज रिप्लेस्ड बाय धर्म घोषा, यानी कि पहले जो फिजिकली ऑक्युपाइड करते थे किसी एरिया को, उसको धर्म के कल्चर से जो है ऑक्युपाइड करने लगे, कल्चर से जो उनको दबा के या जैसे भी उनके ऊपर रूल करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये सब एडिक्ट के में क्या क्या लिखा हुआ था वो सब इन्होंने इस चीज में लिखा हुआ है, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद और बताते, सब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कलिंग वार आस्क्ड टू ओबे। अब देखिए कलिंग वार के बाद ऐसा हुआ कि अशोक ने ऐसा बोल दिया कि देखिए कोई भी जो है, यानी कि किसी भी राजा को जो है तंग नहीं किया जाएगा, कोई भी और भी सबके लिए जो है इस तरह की इंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई कि धर्म को जो है प्रोटेक्ट जो है प्रोपगेट करना है, कोई भी धर्म है उसको जो है उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। तो ऐसा नहीं कि एक ही धर्म को प्रोपगेट करते थे, दूसरे धर्म को भी जो है कोई क्षति नहीं पहुँचाते थे। तो प्रिंसिपल जो थे धर्म, यानी कि एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट और जो इंस्ट्रक्शंस थे वो सभी ट्राइबल लोगों को दे दी गई थी। अशोका देखे इवन जो है फॉरन डोमिनेशन जो है उसके ऊपर मिलिट्री कंक्वेस्ट मैंने कहा कि वो बंद कर दिया था, लेकिन आइडियोलॉजिकली देखिए ऐसा नहीं था। आइडियोलॉजिकली कुछ चीजें अलग थी, मैंने बताया कल्चरली जो है दूसरे साम्राज्य पे कब्जा करते थे कल्चरली, जैसे उसमें वहां पे बुद्धिस्ट मोंक भेज दिए, कुछ ऐसे लोग भेज दिए जो बुद्धिस्ट बुद्धिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे जो है उनको एक तरह से दबा लिया। इवन जो है ग्रीक, ये बोलते हैं कि एम्बेसडर भी इन्होंने ग्रीक किंगडम में भी भेजा। ठीक है, ये एम्पायर के बारे में लिखा है, एडिक्ट्स के बारे में है, पिलर एडिक्ट्स पर क्लियर नहीं है पिक्चर, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियर दिखेगी। ठीक है, उसके बाद ये बताते थे कि श्रीलंका में भी इन्होंने मिशनरीज भेजे, तो और ये कह रहे हैं कि जो अशोका थे वो काफ़ी एनलाइटेंड रूलर थे, उनको समझ आ गया था कैसे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ानी है, सिर्फ वॉर वॉर से नहीं जीत सकते हैं, बड़ी टेरिटरी के लिए उनको कल्चरली जो है उनके ऊपर राज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो बिल्कुल पैसिफिस्ट हो गए थे कलिंग वॉर के बाद, बिल्कुल शांत इंसान की तरह हो गए थे अशोका, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं था, बस उन्होंने जो अपनी पॉलिसी थी वो चेंज कर दी थी। अभी कहते हैं वो ही अडोप्टेड ए प्रैक्टिकल पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेटिंग एम्पायर हिज एम्पायर, यानी कि अपने एम्पायर को और बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल पॉलिसी उन्होंने अपनाई, जो कि कलिंग वार में क्या होता है तो फिजिकली ऑक्युपाइड करते थे, वही बात बार बार यहां पे रिपीट हो रही है। तो ऐसा मत मान लीजिए कि बिल्कुल कलिंग वॉर के बाद उन्होंने लड़ाई छोड़ दी, ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने तरीके बदल दिए कि डायरेक्ट फाइट नहीं उन्होंने जो है करना बंद कर दिया। इसके अलावा देखिए उन्होंने ऐसा भी नहीं कि अपनी आर्मी डिसबैंड कर दी, वो भी नहीं की थी, वो बार बार जो ट्राइबल लोगों थे उनसे भी बोलते थे कि जो धर्म है रूल ऑफ कंडक्ट है उनको निभाओ, उनको अगर कोई वायलेट करेगा तो उसको सजा भी मिलेगी। ये कह रहे कांधार इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ बोली गई है, उनकी जो पॉलिसी विद द हंटर्स एंड फिशरमैन गेव अप किलिंग, उन्होंने जो है हंटर्स और फिशरमैन को बोला कि जो आप मछलियों को मत मारिए, एक सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ जिए, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोली। इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज्म, ये कैसे जो है असर किया, देखिए बहुत से ये कहते हैं कि ट्रेडिशन में जो है मॉन्क वगैरह को गिफ्ट दिए जाते थे, तो वो चीज़ बाद में भी देने स्टार्ट रही, उनको जो है पिलग्रिमेज देना, यानी कि और उनकी जगह एक जो है जगह देना ताकि वो मंदिर जो भी बनाना है बुद्धिस्ट श्राइन बनानी है वो सब चीज़ें अलाउ कर दी थी। इवन बुद्धिस्ट की कौंसिल भी जो है चेयरमैनशिप ऑफ अशोक ब्रदर, कल अशोका जो थे उन्होंने बुद्धिस्ट कौंसिल भी रखी, ये शायद फोर्थ कौंसिल थी, इसको देख लीजिए फोर्थ या थर्ड कौंसिल थी बुद्धिस्ट कौंसिल, कल अशोका जिसमें चेयरमैन थे। मिशनरीज दूसरे देशों में भेजे जाते थे, श्रीलंका बर्मा, ठीक है, ताकि लोगों वहां के लोगों को कन्वर्ट किया जा सके बुद्धिज्म के अंदर। तो और जो देखिए पूरे जो लोग थे जो इस साम्राज्य में रहते थे मौर्यन एम्पायर में, उसको भी बोला जाता था कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे, बच्चों को बोला जाता था माँ बाप को जो है तंग ना करे। ठीक है, तो एक तरह से धर्म इन्होंने देखिए धर्म महामंत्रीज भी अपॉइंट किए थे एक तरह से, जो धर्म को प्रपोगेट करेंगे, और राजूकाज भी अपॉइंट किए गए जो जस्टिस देंगे अगर कुछ भी गलत करता है तो। इन्होंने देखिए ही डिसअप्रूव्ड ऑफ रिचुअल स्पेशली दीज ऑब्जर्व बाय वुमेन, तो इन्होंने देखिए रिचुअल्स भी बंद करा दिए थे और वुमेन्स के द्वारा जो रिचुअल्स थे वो भी बंद करा दिए थे। इन्होंने देखिए ऐसा भी लिखवाया गया कि बर्ड्स और एनिमल के ऊपर जो है कोई अत्याचार नहीं होगा, उनको मारा नहीं जाएगा, एनिमल्स का स्लोटर्स नहीं होगा, ठीक है, यानी कि एनिमल को जो है बलि वलि नहीं चढ़ाई जाएगी, ये भी बंद कर दिया गया था। और बच्चों को जो है लोगों को बोला कि अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, ब्राह्मण की इज्जत कीजिए, बुद्धिस्ट मोंग की इज्जत कीजिए, इस तरह की चीज़ें जो है पूरा हो गया था। और फाइनली देखिए अगर हम कहें तो इन्होंने
टू लीव और लेट लीव वाली पॉलिसी जो है ये अपना ली थी। ये कहते हैं इनकी टीचिंग जो है इससे काफ़ी जो है सोशल क्लास थी या फैमिली थी वो इंस्टीट्यूशन काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ उस टाइम में। और ऐसा भी माना जाता है, ऐसा बोला जाता था जो ये सब चीज़ करेगा वो हेवन उसको प्राप्त होगा। निर्वाण इन्होंने ये नहीं कहा कभी भी निर्वाण प्राप्त होगा जो कि बुद्धिस्ट का आखिरी गोल होता है, ये बोला उन्होंने हेवन प्राप्त होगा यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी जो ऐसे करेगा, जो सभी टीचिंग मानेगा, बुद्धिस्ट या ब्राह्मण मॉन्क्स को तंग नहीं करेगा, ये सब चीज़ें। अशोका का प्लेस कहाँ हिस्ट्री में, ये कहते हैं कि ही सेड दैट पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका रूल द मौर्यन एम्पायर बट दिस इज नॉट ट्रू। ये कहते हैं कुछ कहते हैं कि बहुत शांत वाली पॉलिसी इनकी थी जिन्होंने एम्पायर इन्होंने मौर्यन एम्पायर पर रूल किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने बाद में अपनी अप्रोच चेंज की, मिशनरीज भेजे दूसरे देशों में ताकि उनके उनको कंसोलिडेट कर सके, यूनिफाई कर सके, ठीक है। इन्होंने एक और अच्छे काम किए कि एक ही धर्म, एक लैंग्वेज या एक स्क्रिप्ट जो है पूरे इंडिया को बाउंड कर दिया था, जैसे ब्रह्मी स्क्रिप्ट ही चलती थी मोस्टली उस समय, मेजर यही चलती थी, लेकिन साथ साथ में दूसरी स्क्रिप्ट्स की भी रेस्पेक्ट की जाती थी। ये कहते हैं अशोका ने जो टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट फेथ को छोड़ दिया, टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी सभी धर्मों के लिए जो है पॉलिसी सेम थी, सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए ऐसा नहीं है। ये गिफ्ट नॉन बुद्धिस्ट या एंटी बुद्धिस्ट सेक्ट है उनको भी गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे। और ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने अपने ऑफिशियल्स भी जो एम्पायर है उसमें पूरी जगह छोड़े हुए थे कि जो है मिशनरीज को पूरा उनको शांति से रहने का अलाउ किया जाए और उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, ठीक है। ये कह रहे कौटिल्य की, देखिए कौटिल्य ने तो हमेशा फिजिकल कंक्वेस्ट की बोला कि आप जो है वॉर कीजिए और एक जगह पे कब्जा कर लीजिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने पॉलिसी रिवर्स पॉलिसी अपनाई बाद में कलिंग वॉर के बाद। ये कह सकते हैं कि हाउएवर अशोकन पॉलिसी डिड नॉट मेक एनी लास्टिंग इंप्रेशन। ये देखो अशोका की ये जो पॉलिसी थी कि फिजिकल कंक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम धर्म के अकॉर्डिंग जो है दूसरों पे राज करेंगे, वहाँ मिशनरीज भेजेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन इससे सभी जो वायसरॉयज थे या और जो इन्होंने अपॉइंट किए थे वो सभी इस चीज़ से राजी नहीं थे। और ये कह रहे हैं कि जब रिटायरमेंट हो गया एक तरह से अशोका का 232 BC में, उसके बाद जो ये पॉलिसी थी ये बिल्कुल जो है बंद कर दी थी, यानी कि अशोका की डेथ के बाद तो जो है बिल्कुल ये पॉलिसी बंद कर दी थी, ठीक है। तो यानी कि और लोग इस पॉलिसी को मान के राजी नहीं थे, अशोक ने ये पॉलिसी जरूर चलाई थी। ये कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, कैसे मौर्यन डायनेस्टी आई, इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मौर्यन एम्पायर की, ठीक है, मेगस्थनी के ऊपर नोट्स लिख सकते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र पे लिख सकते हैं, धर्म का मतलब क्या था अशोका के लिए, धर्म कैसे बुद्धिज्म को कैसे प्रमोट किया अशोका ने, कैसे दूसरे देशों मिशनरीज भेजे, तो ये पूरा आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या सिग्निफिकेंस रहा मौर्यन रूल का, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।